मैं अनुरोध करूंगा इसी स्वागत की कड़ी में हमारे हमारे चारों जिलाध्यक्ष साथी आ जाएं और स्मृति भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। चारों जिलाध्यक्ष साथी हमारे बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के चारों जिलाध्यक्ष और हमारे प्रभारीगण हमारे साथी आ जाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आदरणीय हमारे नेता आकाश आनंद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करेंगे। जैसा कि आप सभी को बहुत देर से इंतजार था, अब मैं इससे पहले कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी आपसे मुखातिब हो, मैं दो शब्दों के लिए उनके स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी आदरणीय शमसुद्दीन राय साहब से, कृपया दो शब्द माइक पर आकर हम सभी के बीच में हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे रवि मौर्या जी उन्हें चांदी का मुकुट भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। रवि मौर्या जी मंडल के प्रभारी हैं। आबिद अली साहब भी, आबिद अली जो हमारे आंवला के प्रत्याशी हैं, वो भी स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करना चाहते हैं। आबिद अली साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भाई शोर नहीं, शोर नहीं, शोर नहीं। और ये पत्रकार गैलरी छोड़ देना, आप सभी साथियों से अनुरोध है, पार्टी के जितने भी साथी हैं पत्रकार गैलरी खाली कर देना। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अब बहुत ही अदब और सम्मान के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा हमारे प्रभारी आदरणीय शमसुद्दीन राय साहब दो शब्द कहकर उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय शमसुद्दीन राय साहब, मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब वी आर अम्बेडकर साहब, बामसेफ DS4 के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक कार्यकर्ता महासम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम इस मंडल की ओर से और आप सब जन समूह की ओर से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथियों, ये चुनी जनसभा है, ये दिशा और दशा दोनों बदलती है। मंच पर हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी बैठे हैं, हमारे बीच में मंडल के प्रभारी, जिले के सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा के सभी विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ बूथ और सेक्टर से जिम्मेदार साथी आए हैं, उनका भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बड़े तादाद में आप लोग आए हैं। साथियों, मैं आपके बीच में और आकाश आनंद जी के बीच में कोई वादा डालना नहीं चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस जोश और खरोश के साथ यहां आपको अपनी रैली में कामयाब करने के लिए आए हैं, अब मेरी आपसे एक अपील है कि इसको चुनाव में यहां से संकल्प लेकर जाएंगे। ये युवाओं की धड़कन आपके बीच में, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आपके बीच में आए हैं जो दिलों में राज करते हैं। इसलिए आप लोग जो नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, सेक्टर के साथी हैं, आज से अपनी अपनी लोकसभाओं में चुनाव में लगकर एक एक जो यहां जब भी एक वोट पड़ेगा, एक एक ताकत के साथ सर समाज को जोड़ने का काम करेंगे और सर समाज को वोट डलाने का काम करेंगे। क्योंकि इस दिन भाजपा और सपा ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सपा डरा के वोट लेती है और भाजपा डरा के लेती है। भाजपा हिंदू भाई को डरा के मुसलमानों का डर दिखाती है और समाजवादी पार्टी भाजपा का डर दिखा के वोट देती है। इसलिए ऐसे भैरूपियों को आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इस बार बरेली मंडल में हमारी जितनी भी लोकसभा सीटें हैं सबको जीत कर आना है। इसी अंदाज के साथ ही आवाज के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे बीच में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आए, उनको अपने, क्योंकि बीच में जाम मिल गया था, बहुत बड़ा जाम था,
लेकिन हम लोग आस्था निकालते हुए चले आए आपके बीच में। अब मैं इसी अंदाज के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। हमारे वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि हमारे ऋषिपाल वाल्मीकि जी एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं ऋषिपाल वाल्मीकि जी, और उसके बाद मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अनुरोध करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सलाम साथियों, और मेरा आप सभी को प्रणाम। साथियों, इससे पहले मैं आप सबके बीच में अपनी बात रखूं, मैं यहां मौजूद सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों का जो पिछले 3-4 घंटे से हमारा यहां इंतजार कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं हमें सुनने के लिए, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आज यहां मंच पे मौजूद सभी छोटे बड़े नेता, सभी पदाधिकारीगण, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की जनसभा को इतनी अच्छे से सक्सेसफुली और इतने ऑर्डर से एग्जीक्यूट किया है। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामा स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बातें रखने से पहले, मैं यहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान देने का काम किया है, तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर आज करोड़ों लोग यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन खुद आर्थिक तरक्की के से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ चुका हूं, और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी कोशिश करूंगा निभाने की, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे।
साथियों, मैं ये बात कुछ दो तीन रैलियों से, दो तीन मीटिंगों से दोहराता आया हूं, परंतु आज आप सबके सामने मुझे पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में ये बात दोहराना चाहूंगा। साथियों, विपक्षी पार्टियां, उनके चमचे हमारी पार्टी के कैडर को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे कार्यकर्ता हमारे वर्करों को डीमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे कार्यकर्ता को तब होती है जब उन्हें सुनने को मिलता है कि भाई हाथी किताबों के बोझ से दब रहा है, इस पे एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है। परंतु साथियों, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने क्या उसके बारे में जानकारी है? साथियों, जिनको उसके बारे में जानकारी है अपने हाथ उठाएं। आधे पंडाल में हाथ उठे हैं, आधे में नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। साथियों, पिछले छह सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। आपको पता है कि इन 25 राजनीतिक दलों को पिछले छह साल में कितना चंदा मिला? साथियों, 16,500 करोड़ रुपए इन 25 राजनीतिक दलों को मिले। परंतु आप जानते हैं इन 25 राजनीतिक दलों में किन किन का नाम था और किन का नहीं? साथियों, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का नाम था, परंतु इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल के सहारे नहीं बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, वर्करों के बल पर, उनके तन मन और धन के आधार पर यहां अपना चुनाव लड़ती आई है और आगे भी अपना चुनाव उन्हीं के बल पर लड़ती जाएगी। तो साथियों, बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चे कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और हमारी तरह ही बाकी पार्टियां भी मैदान में उतरी हुई और आप लोगों के बीच आके मीठी मीठी बातें करेंगी, आप लोगों का वोट लेने की कोशिश करेंगी। परंतु साथियों, मैं आप लोगों से एक बारी ये दरख्वास्त करता हूं कि इस बारी किसी भी नेता को अपने बीच में बैठने से पहले, अपने बीच में बोलने से पहले उससे 10 सवाल कीजिएगा, उससे पिछले 10 सालों का सवाल कीजिएगा। अगर भाजपा से कोई आता है तो उससे 3 चीजों पे पूछिएगा कि भाई तुम लोगों को 10 साल से इस जनता ने मौका दे रखा है, तुम पिछले 10 साल से भारत की केंद्र सरकार चला रहे हो, तो हमें इन तीन चीजों पे सवाल का जवाब दो कि साथियों, उन्होंने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया? साथियों, उन्होंने आपके रोजगार के लिए क्या किया? और साथियों, उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए क्या किया? साथियों, मुद्दे तो बहुत से हैं जिन पे उनकी विफलताएं अनेकों हैं, परंतु शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, शिक्षा के मामले में अगर भाजपा के काम का चिट्ठा खोला जाए तो बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीकों की खबरें आई हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है तो हमारे हजारों बच्चे
हमारे हजारों युवा साथी लाइन से लगाकर वो टेस्ट देने मेहनत करने जाते हैं, इस उम्मीद से कि उनको शायद टेस्ट में नंबर निकल आए, उनका कागज निकल आए तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाए। परंतु जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, कुछ दिनों बाद खबर निकली है कि भाई ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद सरकार को बहाना मिल जाता है, सरकार को बहाना मिल जाता है वो सारी नौकरियां रद्द करने का। साथियों, वो लोग बहाना ढूंढते हैं आपको किसी तरह रोजगार ना मिल पाए, वो बहाना ढूंढते हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी के आधे शब्द नहीं बोल पाते, अंग्रेजी के शब्द नहीं समझ पाते। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, परंतु आज भी 65% से ज्यादा स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। साथियों, अगर शिक्षा की बात करें तो वो आप सब जानते हैं कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे शिक्षक होंगे तभी वो आगे नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर नौकरियां मिलेंगी तभी वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। अगर कोई सरकार आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करे, वो आपकी शिक्षा से नहीं, आपके आने वाले भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। साथियों, इसी क्रम में हमारे युवा साथियों को जो तकलीफ सहने को मिल रही है वो है रोजगार की। आज बीजेपी की सरकार के चलते हुए 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार है। यहां पे कितने हमारे युवा साथी हैं जिनको आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली, हाथ उठाकर बताएं। साथियों, आधा पंडाल अपना हाथ उठा रहा है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालकर आप भाजपा की सरकार तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों को तो अता पता नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं एक आधी नौकरी निकल भी जाती है तो वहां पर भी 10-10 नौकरियों के लिए 10-10 हजार लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। कहां से मिलेगा रोजगार, कहां से आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, बताइए। साथियों, आपको मैं एक खबर सुनाता हूं, यह अभी कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी, 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा साथियों ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर क्लास 4 की नौकरी के लिए पीएचडी स्कॉलर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है तो साथियों, नौकरियों का कितना बुरा हाल है इस देश में, ये आप सब बखूबी जानते हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी तो सरकार अपनी जनता को कैसे शांत रखेगी, आपका दिमाग, आपका ध्यान कैसे भटकाएगी? आप जानते हैं इन भाजपा के लोगों ने क्या नया स्कीम निकाला, इन्होंने नई स्कीम निकाली है कि आज ये लोग फख्र से बताते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये मुफ्त में राशन की देने का काम कर रहे हैं। साथियों, केंद्र की सरकार के बड़े छोटे नेता सब लोग मंच पे खड़े होकर बड़े फख्र से कहते हैं कि मित्रों, हमने आज बीजेपी की सरकार चलते हुए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अब यहां पे कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी युवा साथी ये समझ सकता है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो उसके घर में ना कमाने का कोई साधन है, ना कोई काम करने का कोई रही है, तो उसके घर में ना कमाने का कोई साधन है, ना कोई काम करने का कोई तरीका है उसके पास। तो साथियों, इस बारी तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है, कहां है मेरा रोजगार, कहां है मेरी शिक्षा।
साथियों, दूसरा सवाल, इसी 80 करोड़ की स्कीम पर, इसी राशन की, फ्री राशन की स्कीम पर आपको दूसरा सवाल इनसे पूछना होगा कि भाई ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की कीमत क्या है, क्योंकि ये भी कभी ना कभी आपके टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। ये भारत की सरकार का लिया हुआ कर्जा है जो हमारे लोगों को बांटा जा रहा है राशन की और राशन के रूप में। तो साथियों, इसकी कीमत भी आज नहीं तो कल आपके बच्चों को चुकानी होगी। तो इनसे पूछे कि इसकी कीमत क्या है। साथियों, सरकार का डेटा कहता है कि अगर भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो इसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथियों, अगर भारत सरकार का पैसा, अगर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा 2 लाख करोड़ रुपया ऐसे मुफ्त में राशन में बांटने में लगाया जाएगा तो फिर यहां पे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी जरा हिसाब देने का काम आ गया है। साथियों, अब ये 2 लाख करोड़ रुपए राशन पे खर्च रहे हैं, पर प्रति एक घर में कितने का राशन पहुंच जाता है महीना? 500 हजार रुपया, 500 हजार रुपये का राशन महीना मिलेगा, 150 रुपए का। साथियों, हम कहते हैं महंगा से महंगा कर लो तुम करप्शन, इसमें भी ले जाओ 1000 रुपए का राशन। साल में 6000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता है हमारे गरीब लोगों को, साल में 6000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता। परंतु इसके बदले आपसे क्या लूटा जाता है? अगर क्लास 4 की भी नौकरी दे देते तो महीना 15-20 हजार रुपया तो मिलता, साल का 2.5 लाख रुपया मिलता आपको। 6000 रुपए लेके, 6000 रुपए का राशन देके आपसे 2.5 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं ये। साथियों, इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर चाहिए जो हमारे बाबा साहब देके गए हैं। साथियों, ना ही आपके बच्चों को शिक्षा दे पाए, ना हमारे युवा लोगों को रोजगार दे पाए। अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, मैं इनका एक पास किया हुआ ऑर्डर आपको बताऊंगा, अगर ज्यादा बोला तो शायद नाराज ना हो जाएं ये लोग, परंतु आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहां पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहां की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। साथियों, ना सुरक्षा दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना रोजगार दे पाए। जिन लोगों के सर पे छत थी वो भी छीन ली। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें,
अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छत उखाड़ने का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये एक बेइज्जती का टैग है, बुलडोजर की सरकार एक बेइज्जती का टैग है, तो इनको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को इनसे सिर्फ सवाल करने हैं, और अगली बार ये आप लोगों के बीच में आए, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करेंगे। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। साथियों, इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। अब साथियों, इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अब मानववादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में आपका संविधान नहीं बदल सकते तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। साथियों, इस बार आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से, और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहां बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पार्टी ने यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैंडिडेट्स उतारे हैं, जैसा कि हमारे सारे कैंडिडेट्स आपके सामने खड़े हैं। साथियों, ये आज से नहीं, बहुत सालों से आप लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि आप लोग आने वाले चुनाव में इन लोगों को वोट डालकर यहां पर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि ये आपके लिए पार्लियामेंट में जाकर आपके हकों के लिए लड़ सके। आप सब बैठ। अभी मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ साथियों, अभी तो बेइज्जती करना बाकी है। प्यार प्यार से करेंगे। साथियों, ये लोग अपने आप को साथियों ये लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये बोलते हैं कि भारत ने गुजरात का मॉडल फॉलो किया और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम कर रहे हैं। इन समझदारों से कोई सवाल करे और इनको एक फैक्ट दे कि भाई, जब 2014 में आपने केंद्र की सरकार में अपनी सत्ता ली थी, तब भारत की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। एक समझदार आदमी भी ये जानता है कि अगर उस पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो वो फाइनेंशियली कमजोर होता जाएगा, वो कोई तरक्की नहीं कर रहा, वो कर्जे के पैसे पर जी रहा है, वो समय खरीद रहा है कि उसे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना होगा। जब इन्होंने 2014 में भारत सरकार में ये लोग वोट लेके पहुंचे थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में यही कर्जा बढ़कर 152 लाख करोड़ हो चुका है। साथियों, क्या यही है समझदारी का काम?
कोई समझदार आदमी क्या इतना कर्जा लेता है? क्या कोई कर्जे से आज तक अपने देश को बड़ा बना पाया है क्या? आप ही बताइए साथियों, इन्होंने तो अगले 10 सालों बाद अपना पल्ला झाड़ लेना है। ये तो मंच पर आकर फिर खड़े होकर बोल पड़ेंगे, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। और ये 152 लाख करोड़ का कर्जा हमारे लोगों पर छोड़ जाएंगे। इन लोगों की पुरानी फितरत है साथियों, दूसरों का काम दूसरों पे चिपकाने का। ये लोग मार्केटिंग का काम बहुत बखूबी अच्छे से जानते हैं। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते आए हैं। हर दूसरे दिन एक नई योजना निकालेंगे, कभी ये योजना कभी वो योजना। जब योजनाओं के आइडिया खत्म हो जाएंगे तो योजना 2.0, योजना 3.0, योजना 4.0, इनकी योजना ही नहीं खत्म होगी साथियों। पर हकीकत में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। वो योजना के लिए अगर 100 रुपए लगाने को रखते हैं बजट में, तो उन 100 रुपए में से 10 रुपए जमीन पर आते हैं, 90 रुपए ये अपनी मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि गांव गांव तक इनका वो मैसेज जाए। अरे गांव तक मैसेज पहुंचाना नहीं, वो योजना का काम कराना होता है, ताकि आपका गरीब आदमी आपके लगा मेहनत कमाए हुए पैसे से उसका फायदा हो सके। ये मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी है साथियों। ये इलेक्शन जीतने आपके भले के लिए नहीं लड़ते, ये इलेक्शन अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ते हैं। ये इलेक्शन आपको सत्ता से दूर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन आपको कमजोर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन हमारे संविधान को बदलने की कोशिश के लिए लड़ते हैं साथियों। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। साथियों, अगर ये भाजपा का हाल है तो यहां उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पर चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए, परंतु इस बारी साथियों अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। ये लोग मीठी मीठी बातें बहुत से काम पूछना है कि इन्होंने करा क्या। पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं, मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दें साथियों। साथियों, इसके साथ साथ यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी, वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जुड़ेगा। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे एससी एसटी भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे माननीय साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है, उनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। वो अपने 60 साल शायद भूल गए हैं, तो उन्हें अगली बारी आप मिले तो जरूर बताइएगा, भाई साहब आपकी अब कोई जरूरत नहीं, आपको जो भारत की जनता ने मौका देना था दे दिया, अब आप अपने घर बैठे। हमारे बहुजन के लोग, हमारी बहन जी अभी जिंदा है और हमारे लिए लड़ती आई है और लड़ती आएंगी।
सही कहा, एक बार वो नारा जरूर दे दीजिए। आइए साथियों, समाज पार्टी जिंदाबाद, चरगुंडों की छाती पर चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर चरगुंडों की छाती पर मोहर लगेगी, हाथी पर साथियों, समय आ गया है बताने का कि ये हाथी कभी झुकेगा नहीं, ना ये कभी रुकेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में बता दीजिए इन्हें कि यहाँ पर किसका राज चलता है। हमारे बहुजन समाज के लोग ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। साथियों, मैंने आप सबका बहुत समय लिया, इन सब के बारे में बहुत बात कर ली, परंतु अब आपको बहन जी के कामों के बारे में बात करते हैं, उनके कामों के बारे में बताते हैं, ताकि आप समाज में जाए तो उनके कामों के बारे में बताएं। साथियों, बहन जी ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, कभी उन्होंने ऐसा कोई पर्चा नहीं निकाला, उन्होंने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। उन्होंने हमेशा से अपने सभी समर्थकों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से बोला कि आप जनता के बीच में जाएं तो अपना काम लेके जाएं। क्या आपने करा क्या है अपने 5 साल के शासनकाल में? साथियों, उन्हीं में से कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत यहां बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत चलकर बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। साथियों, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि घर में लड़की पैदा होते ही 1 लखपति बन गए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी आर्थिक स्थिति से गुजर रही हो, गरीब गरीब की बेटी लखपति बनी है। हमारी बहन जी ने फ्री में कभी 2,250 रुपए का राशन नहीं दिया, उन्होंने सीधा अपनी बच्चियों को लखपति बनाने का काम किया। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार में सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई गई। इस योजना के तहत 7 लाख बच्चियों को फ्री में 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ रुपए की लागत लगाई। साथियों, बहन जी ने 2 लाख करोड़ रुपए फ्री में राशन बांटने का काम नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब की बात को जमीन पे उतार के करके दिखाया। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर कोई पी ले तो हमेशा दहाड़ती रहेगी। बहन जी ने अपने शासनकाल में हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। जब आपने समाज ने बहन जी को शेरनी बनाया तो उन्होंने पलटकर हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। साथियों, इसी क्रम में आगे चलते हुए बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के कई व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27वीं सदी सीटों की आरक्षण तय किया। उन्होंने साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के सरकारी हॉस्टल्स में 27% हमारे पिछड़े समाज के साथियों के लिए सीट का रिजर्वेशन किया। साथियों, उन्होंने खाली कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए, उन्होंने हमारे समाज को उसमें पढ़ने लिखने के लिए भी मदद की। वो चाहती थी कि हर समाज का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उन्होंने खाली स्कूल बनाकर
उसमें टीचर्स भरने का काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी और सरकारों की तरह खाली स्कूल नहीं बनाए, खाली स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने उसमें शिक्षक भी भरे ताकि बच्चे पढ़ सके उधर। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने, प्रदेश ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC ST व OBC साथ साथ आदिवासी समाज के परिवारों को, 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, साथ ही साथ बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर यहां बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की। उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में भर्ती पे लगी हुई रोक को भी हटाकर यहां पर सभी जरूरतमंदों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी की सरकार में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया है और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3,00,000 रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए करने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदे के दाम दुगने कर दिए। साथियों, बहन जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि वो MSP लागू करेंगे। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि हम ये वादा करते हैं, हम वो वादा करते हैं। उन्होंने हमेशा जमीन पर उतरकर अपने समाज के लिए काम करके दिखाया है। साथियों, इसके साथ साथ बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, स्कूल बनाए तो वहां पे टीचर्स की भी भर्ती करी ताकि हमारे समाज पढ़ सके, 1,00,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2,00,000 से अधिक नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6,00,000 से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के गरीब भाइयों को भी विभिन्न विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया है। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश के हर एक समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उसको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने का काम करेगी। तो साथियों, इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से, मेरे साथ साथ खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है साथियों, आपके वोट को कोई खरीद ना सके, आपके वोट को कोई लूट ना सके, आपके वोट को कोई खराब होने ना दे। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना, भगवान आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आदमी आप लोगों को फंसा ना ले और आपके वोट का दुरुपयोग ना करे, आप लोगों को संभल के रहना होगा, क्योंकि देश के हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक युवा साथी को यह अधिकार यहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, इसी वोट से आप उस सत्ता पे ताबीज हो सकते हैं, उसी सत्ता की चाबी ले सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सब से यही खास अपील करता हूं कि साथियों, ये समय आ गया है कि आप सब आपस में गलत फहमियों को दूर करें, आपस के झगड़े को छोड़ दें, एक तरफ करें और आने वाले इस लोकसभा आम चुनाव में यहां जिन ही क्षेत्रों में BSP के लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन के पर BSP के हाथी के चुनाव चिन्ह को, सामने वाला बटन दबाकर यहां बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और इसके लिए
इसके लिए मैं यहाँ अपने युवा साथियों को बोलूंगा, आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सेदारी निभाएं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को लेके जाएं और वोट डाल के आए। इसी के साथ साथ मैं आज यहाँ मौजूद दोबारा से यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहने, युवा साथी, मीडिया बंधु, हमारे सभी छोटे बड़े पत्रकारी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज यहां हमारे बीवीएफ के जवान साथी भी हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से इस मीटिंग को कंडक्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली जनपद में अपना कीमती समय देने का हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी का, आज मैं इस मंच के माध्यम से कुछ घोषणा करना चाह रहा हूं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव जायसवाल जी जिला कोषाध्यक्ष समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुदित प्रताप सिंह पति जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 40 आंवला से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। प्राची सिंह जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 40 आंवला से बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। प्रोटोकॉल है कुछ नहीं है, हर चीज हाथ में है, तुम लोग ये बता दो।